स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट फ्रेंड्स आज हम लोग करने वाले हैं लेसन टेन जिसका नाम है लाइट ये फिजिक्स का है केमिस्ट्री का लेसन वन से लेसन थ्री तक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है बायोलॉजी का लेसन सिक्स लाइफ प्रोसेस वो भी अपलोड हो चुका है आप इन सभी वीडियो को प्ले में जाके क्लास टेन साइंस एम सी क्यू सी वाले प्ले में जाके आप देख सकते हैं ओके okay, आज लेसन टेन लाइट वाले चैप्टर का एम हम लोग करेंगे ओके okay? तो आइए समय बर्बाद ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन ओके विच ऑफ द फ्लोइंग कैन मेक ए पैरल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फॉर फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन इंसिडेंट ऑन इट ऑप्शन ए कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस ऑप्शन बी कन्वेक्स मिरर एज वेल एज कनकेव लेंस ऑप्शन सी टू प्लेन मिरर प्लेस डेट एट 90 डिग्री टू इच अदर ऑप्शन डी इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस ओके जहां पॉसिबल होगा समझाने का वह हम समझा देंगे इसमें कुछ समझाने वाला उतना चीज है नहीं ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू टेन मीटर लॉन्ग फ्रंट ऑफ कनकेम एम लॉन्ग इमेज ऑफ द ऑल पिन एट थर्टी सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ मिरार दोकल लेंथ दिसर इज माइनस थर्टी सेंटीमीटर माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर माइनस फोर्टी सेंटीमीटर या ऑप्शन डी माइनस सिक्सटी सेंटीमीटर तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू आप आराम से पहले ऑप्शन को सभी को पढ़ लीजिए क्लियर दिख रहा है आपको तो क्वेश्चन नंबर थ्री का सही जवाब है ऑप्शन ए द ए कन्वेक्स लेंस हैज फोर डायोप्टर पावर हैविंग ए फोकल लेंथ जीरो पॉइंट टू फाइव एम एम मतलब मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रियर व्यू मिरर, फिटेड इन वेकल्स ऑप्शन ए इज लेस देन वन इज मोर देन इज इक्वल टू वन कैन बी मोर देन वन और लेस देन वन ऑन डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट तो इसका सही जवाब है इज लेस देन वन ठीक है एक से कम नेक्स्ट फुल लेंथ इमेज इज ए डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग ए कनकेव मिरर, ए कन्वैक्स मिरर, ए प्लेन मिरर या ऑप्शन डी बोथ कनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर तो इसका सही जवाब है कन्वेक्स मिरर। ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स इन टॉर्च सर्च लाइट एंड हेड लाइट ऑफ वेकल्स द बल्ब इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर या ऑप्शन डी एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर तो आपका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर डी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर ठीक है इसका सॉरी ऑप्शन बी वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर ठीक है सी नहीं कह सेंटर ऑफ द कर्वेचर इसमें नहीं होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन बी ठीक है गलती से मैं, मैं यहाँ पे समझ गया नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर ए प्लेन मिरर ए कन्केव मिरर कन्वेक्स मिरर या ऑल मिरर रिस्पेक्टिव ऑफ देअर सेप तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल मिरर रिस्पेक्टिव ऑफ देअर सेप नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर गिवेन वाटर मस्टर्ड ऑयल ग्लेसरिन एंड किरोसिन इन विच ऑफ द फ्लोइंग दिज मीडिया ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली एट सेम एंगल हु मोस्ट सबसे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट किस में मुड़ेगा बेंड मतलब मुड़ना तो किस में ज्यादा मुड़ेगा ग्लिसरीन में ठीक है जी एल वाई सी ई आर आई एन ई कहा उड़ गया जी ठीक नेक्स्ट उड़ता रहता है उड़न खटोला है नेक्स्ट क्वेश्चन चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ मैजिक मिरर सी फाइंड द इमेज ऑफ हर हेड बिगर द मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी

हाइट डिमिनिस्ड एंड पॉइंट साइज कन्केव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस या ऑप्शन डी कन्केव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्केव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस क्वेश्चन नंबर टेन राइट आंसर ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन लाइट ट्रेवल फास्टर इन वाटर एयर ग्लास या ऑप्शन डी डायमंड तो लाइट ट्रेवल फास्टर इन एयर और साउंड अगर दे देता तो सॉलिड ठीक है इससे से इस याद रखिए नेक्स्ट द मिरर हैविंग रिफ्लेक्शन सरफेस कर्वड आउटवर्ड ऑप्शन ए प्लेन मिरर कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर या ऑप्शन डी सेलेंड्रिकल मिरर तो आपका सही जवाब है कन्वेक्स मिरर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन द मिरर हैविंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्वड इनवर्ड इनवर्ड है ठीक है अंदर की ओर तो अंदर की ओर होता है कन्केव और आउटवर्ड होता है कन्वेक्स याद रखिएगा नेक्स्ट द मिरर यूज एज रियर व्यू मिरर इन वेकल्स साइड मिरर भी लिख देता है यूज एज साइड मिरर इन व्हीकल्स तो ये हो गया आपका सही जवाब ऑप्शन ए कन्वेक्स मिरर नेक्स्ट क्वेश्चन द डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ वेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनादर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ओके नेक्स्ट कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस रेडियल लेंस या एक्सियल लेंस तो इसका सही जवाब होगा कन्वेक्स लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस और कन् होगा तो डाइवर्जिंग लेंस नेक्स्ट द इमेज विच इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर बिहाइंड मतलब पीछे। तो इसका सही जवाब होगा वर्चुअल क्लियर कट नेक्स्ट अब शुरू हो गया हमारा इन द ब्लैंक्स जैसा आपको पता है कि मैं हर वीडियो में ऑप्शन उप, वाले भी करवाता हूँ और फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी करवाता हूँ ताकि आपको इक्वल आइडिया मिल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ सकते हैं ओके अब फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस एंड बाउंस बैक टू द मीडियम द फेनोमिना इज कॉल्ड मतलब एक ये कोई सतह है सरफेस यहाँ पर लाइट पड़ा और ये फिर वापस चला गया तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं आपको पता चल गया होगा इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ ये देखिए फिर से बता दे रहे हैं ये हो गया ये हो गया ये आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साइन आई अपॉन साइन आर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ ठीक तो इसमें आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जहां संभव होगा वहां हम समझाएंगे निश्चिंत रहिए वेन रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट ब्लैंक्स इमेज इज फॉर्म तो मीट एट ए पॉइंट इज रियल ओके वेल नेक्स्ट क्वेश्चन इक्कीस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द डेंटिस्ट यूज ब्लैंक्स मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द मतलब कुल cool मिला के कहने का मतलब है जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं वो किस टाइप के मिरर को यूज करते हैं तो किस तरह के इमेज को करते हैं तो कन्केव ठीक है नेक्स्ट प्लैंक्स इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर बाईस तो आपका सही जवाब होगा मैग्निफिकेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड कन्केव लेंस इज पावर ऑफ कन्वेक्स वाला पॉजिटिव हो गया तो कन्वेक्स कनकेव वाला क्या होगा निगेटिव होगा कभी भी ध्यान दीजिएगा कन्वेक्स लेंस का जो पावर है पॉजिटिव होता है और कन्केव लेंस का पावर निगेटिव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज ट्वेंटी सेंटीमीटर द फोकल लेंथ इज उसका फोकल लेंथ पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर तो इसका सही जवाब होगा दस सेंटीमीटर नेक्स्ट द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज जो पावर है किसका लेंस का ये बहुत इजी क्वेश्चन है डायोप्टर आपको पता ही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स द ऑप्टिकल फेनोमिना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू जो तारे चमकते हैं वो किस वजह से चमकते हैं वो प्रोसेस क्या है वो फेनोमिना क्या है एटमोस्पेरिक रिफ्लेक्शन है टोटल रिफ्लेक्शन या एटमोस्पेयरिक रिफ्रैक्शन या टोटल रिफ्रैक्शन तो वो है एटमोस्पेयरिक रिफ्रैक्शन ठीक है देखिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ जितना भी झूठा चीज़ है प्रतीत होता है कि ऐसा हो रहा है लेकिन वैसा हो, होता नहीं है ठीक है प्रतीत हो रहा है कि वैसा है उस जगह पे बट एग्जैक्ट में वैसा नहीं है तो ये जितने भी फिनोमिना है वो होते हैं रिफ्रैक्शन क्लियर नेक्स्ट फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज इन्फिनीटी जीरो निगेटिव या नॉन ऑफ दिज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन तो सही जवाब है इंफिनिटी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर इज रियल एंड इरेक्ट रियल एंड इनवर्टेड वर्चुअल एंड इरेक्ट या ऑप्शन डी वर्चुअल एंड इनवर्टेड तो वर्चुअल एंड इरेक्ट नेक्स्ट पावर ऑफ लेंस इज माइनस फोर्टी डिग्री इट्स फोकल लेंथ इज ट्वेंटी नंबर ट्वेंटी नाइन नंबर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी नंबर ऑप्टिक्स एंड ऑब्जेक्ट विच इज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड जिसका हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसे हम बोलेंगे ऑप्टिकल डेंसर ठीक है ऑप्टिकली डेंसर आज का हमारा थर्टी क्वेश्चन मित्रों दोस्तों कंप्लीट हो गया ओके okay, मिलेंगे अब कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ ग्यारह बजे सुबह में आइए ग्यारह बजे रात को आइए दो वीडियो का आनंद लीजिए ओके ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और अधिक से अधिक जितना हो सके दोस्तों को बताइए कि एक अच्छी तैयारी जहाँ करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा नहीं तो फिर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं जाएगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कब वीडियो पोस्ट हुआ कब नहीं हुआ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक हमें इजाज़त दीजिए गुड बाय टेक केयर